आओ बच्चों आपको बताएं खिलाफत राशिदा है क्या, वो खिलाफत का कौन सा निजाम है जिसको हम नाफिज करना चाहते हैं। ये निजाम ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में भी डिफाइन किया गया है, पाकिस्तान के आईन का हिस्सा है। हम कोई गैर मामूली बात नहीं कर रहे, हम कोई बात नहीं कर रहे कोई जिसको हम पे ताना दिया जाता है कि आप 300 साल पुराना कोई निजाम नाफिज करना चाहते हैं, आज के जदीद दौर में यह निजाम कैसे चलेगा। आए आपको बताएं खिलाफत राशिदा का निजाम क्या है। अमन ओमान की सूरत हाल उसमें देखना चाहते हैं। पूरी दुनिया का आज हाल देख लीजिए, अमेरिका डेमोक्रेसी कैपिटलिज्म पूरी दुनिया में उसकी धाक बैठी हुई है। इस वक्त दुनिया में जो जराइम की शरह अमेरिका में, जो बेराहरवी, जो आबरू रेजी, जो जुल्म औरतों पर, बच्चों पर और अपनी कौम पर वो उस माशरे में होता है, सिर्फ अमेरिकन क्राइम स्टेटिस्टिक्स उठा के देखिए। आज भी न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस, डेट्रॉइट, शिकागो में रात के 8 बजे के बाद आधा शहर बंद हो जाता है, कहीं जा नहीं सकते आप, इसलिए आप लूट ले जाते हैं, आपकी इज्जत और आबरू और जान और माल का खतरा होता है। यह जदीद तरीन दुनिया की डेमोक्रेसी का हशर है, जिसके बारे में इकबाल ने 1920 में कहा था, यह तहजीब अपने खंजर से आप खुदकुशी करेगी, जो शाख नाजुक पे आशियां बनेगा नापायदार होगा। आज अमेरिकन इकोनॉमी का हाल यह कि पूरा सूद और रिबा का निजाम कोलैप्स कर रहा है, पूरी दुनिया तबाही में बर्पा होने वाली है, पूरी दुनिया की इकोनॉमी अब इनके साथ तबाह बर्बाद हो रही है जाके। अमेरिका में पिछले चंद माह में 20 लाख एजुकेटेड पढ़े लिखे मिडिल क्लास अमेरिकन उनके हाथ से घर गए, गाड़ियां गई, टेंटों में जिंदगी गुजार रहे हैं जाके। पूरी इकोनॉमी ये तहजीब अपने खंजर से जिस तेजी से खुदकुशी कर रही है, अब तो खुद उनको भी नजर आ रहा है। आइए सैयदना उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत के दौर में आपको उनकी रियासत की वसत बताते हैं। एक तरफ चीन, ईस्टर्न तुर्किस्तान, सिंकियांग से लेकर ऑलमोस्ट यूरोप तक मुसलमान रियासत फैल चुकी होती है, तमाम शुमाली अफ्रीका मुसलमान हो चुका होता है, बैतुल मकदस शरीफ मुसलमान फतह कर रहे हैं, बैतुल मकदस शरीफ मुसलमान फतह करने जा रहे हैं, फतह हो चुका है, तो वहां के ईसाई हजरत खालिद बिन वलीद, हजरत अबू बैदा इब्ने जर्राह रजी अल्लाह ताला अन्हु से कहते हैं कि हम बैतुल मकदस को आपके हवाले कर देंगे, शर्त हमारी यह है कि मुसलमानों के अमीर खुद आकर इसकी चाबियां हमसे वसूल करें। यह सैयदना उमर है, वो सैयदना उमर जिनकी सल्तनत इतनी वसत फैली होती है। फरमाते हैं कि अगर दजला के किनारे इराक में कोई कुत्ता भूखा मर जाता है तो मैं मदीने में जिम्मेदार हूं इसका। वो सैयदना उमर जिनके पास रोम का बादशाह अपना गुलाम, अपना एम्बेसडर भेजता है कि ये देखो तो सही है, मुसलमान जो पूरी दुनिया पर कब्जा करते चले जा रहे हैं और जिस इलाके पर कब्जा करते हैं, बैक वक्त इन्होंने पर्शियन और रोमन एम्पायर से टक्कर ली, और पर्शियन और रोमन एम्पायर ने भी कोई चूड़ियां नहीं पहनी हुई थी, वो अपने वक्त के रूस और अमरीका थे उस वक्त के ये, और एक मुसलमान फौज जिसके पास खाने को कुछ नहीं था, पहनने को लिबास नहीं था, लेकिन वो गाजी ये तेरे पुरस्रार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है जौके खुदाई, दोनीम इनकी ठोकर से सहरा और दरिया थे, सिमट कर पहाड़ थे जिनकी हैबत से राई। ये कौन सी मुसलमान फौज है? जब सैयदना खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु पे एक ईरानी जनरल ताना देता है कि आप हमसे लड़ने क्यों आए, हमारी तलवारों में तो वो जहर लगा हुआ है कि अगर जिस्म को छू जाए तो जिस्म गल के खत्म हो जाए, तो सैयदना खालिद बिन वलीद फरमाते हैं जरा उस जहर की शीशी तो दो मुझे। वो जहर की शीशी आपको पेश करता है, आप पढ़ते हैं बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला युदुर्रु मा इस्मिही शैइन फिल अर्दि वला फिस समाए वहुव समीउ अलीम, और पी जाते हैं उसको, फेंक के कहते हैं देखो इसका असर मुझ पर हुआ या नहीं। ये पुरस्रार बंदे, ये साद बिन अबी वक्कास के जब ईरान के दरिया पे, ईरान को फतह करने के लिए दरिया के किनारे खड़े होते हैं, तो उस वक्त परली तरफ ईरान की फौजें होती हैं, दरिया में सैलाब आया हुआ होता है, ईरानी मुतमईन होते हैं कि अब मुसलमान फौज दरिया पार करके उनकी तरफ नहीं आ सकती। साद बिन अबी वक्कास अपने दाएं और बाएं देखते हैं, पूरी मुसलमान फौज अपने अमीर की तरफ देखती है, अमीर जो हुक्म आपका। सैयदना साद बिन अबी वक्कास दरिया को हुक्म देते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फौज आ रही है, खबरदार कोई नुकसान ना हो हमारा, और पूरी फौज दरिया में उतर जाती है। तारीख ये गवाही देती है इस बात की, तारीख गवाही देती है इस बात की कि ईरानी ये कहते हुए भाग जाते हैं कि देवा आमदन देव आ गए और देव आ गए। ये वो माशरा था हजरत उमर रजी अल्लाह ताला, इनके तरबियत याफ्ता ये फौज थी। एक तरफ ये फौज ईरान फतह कर रही है, और जब अमीरुल मोमिनीन का ये मयार हो, अमीरुल मोमिनीन की इखलाक और किरदार और जुरत और दलेरी और सादगी और शुजात और बेखौफी का ये आलम हो, तो फिर पूरी मुसलमान मिल्लत में उसके असरात और बरकत फैलना शुरू हो जाते हैं। ये उमर रजी अल्लाह ताला ने जिनके जलाल से शैतान रास्ता काट के छोड़ देता था, जो शरीयत के मामले में शदीद हैं, जिनको कहा जाता है इनसे ज्यादा शदीद शरीयत के मामले में कोई नहीं हो सकता। जब कहत के दौर में आपके पास एक चोर लाया जाता है कि इसने चोरी की है,
तमाम लोग सहाबा तक उस वक्त कहते हैं कि चोर की सजा हाथ काटना, इसके हाथ काटे जाए। सईदना उमर पूछते हैं चोरी क्यों की, सईदी भूखा था, खाना चोरी किया अपने बच्चों के लिए। सईदना उमर फरमाते हैं वो हुकूमत जो भूखे का पेट नहीं भर सकती वो चोरी पे उसके हाथ भी नहीं काट सकती। ये मयार हमारे उन बुजुर्गों ने कायम किया, फिर रूहानी मयार उनका, जो बात आपको सिर्फ मुसलमान फौजों की बताई। देखिए जब ये बरकत एक अमीर में होती है, एक सुल्तान में होती है, तो वो बरकत फिर पूरी मिल्लत में नीचे तक जाती है, हत्ता कि जानवर तक उस बरकत से फैज हासिल करते हैं। जब ईरान के खजाने पहुंचना शुरू हुए, ईरान की सल्तनत को जब मुसलमानों ने फतह किया तो कसरा के ऐसे ऐसे खजाने पहुंचे कि इंसानों की अकलें दंग रह गईं। जब हीरे जौहरात सोने चांदी की अशरफियां जब ला के बैतुल मस्जिद नबी में उनका ढेर लगाया गया तो खुद हजरत उमर हैरान हो गए कि ये कौन सी फौज है जिसका एक एक सिपाही ये गनीमत जमा करा रहा है और खयानत नहीं कर रहा, अपनी जेबें नहीं भर रहा। तो जो कुछ बादशाह के ताज और बादशाह के पर्सनल खजाने थे जब वो सामने पहुंचे तो सईदना उमर ने साद बिन अबी वकास रजी अल्लाह तआला ने हुक्म दिया कि जो सिपाही इन खजानों को लेकर आए उसको मेरे पास लेकर आओ, जिसने खयानत नहीं की मैं उसको मिलना चाहता हूं। मैं भी वो भी हैरान थे उसकी दयानत पे। और वो सिपाही हजरत उमर के हुक्म पर हजरत उमर से मिलने आता है और अपने चेहरे पर नकाब लगा लेता है और कहता है सईदी आपने मुझे मिलने का कहा था, मैं मिल रहा हूं, अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगा कि मैंने जो कुछ किया था रब के लिए किया था, आपके लिए नहीं। जब हमारे बुजुर्गों ने कायद आजम ने कहा कि हम खिलाफत राशिदा पे पाकिस्तान बनाना चाहते हैं तो उससे हमारी मुराद क्या है? ये हजरत उमर, ये रूहानी जलाल, जब दरिया नील में पानी बहना बंद हो जाता है, जब दरिया नील खुश्क होने लगता है तो मुसलमान लिखते हैं कि यहां पे किप्तियों का, वहां के मकामी आबादी का तरीका यह है कि वहां पर एक बच्ची को कुर्बान करते हैं दरिया में, उसके बाद उनका अकीदा है कि दरिया में सैलाब आता है। सईदना उमर ने फरमाया कभी नहीं, मेरे होते हुए अल्लाह के दीन में होते हुए कभी किसी बच्ची को अब इस तरह कुर्बान नहीं किया जाएगा। लोगों ने कहा दरिया में पानी नहीं आता, यह अकीदा है उनका। सईदना उमर खत लिखते हैं दरिया नील के नाम, ए नील अगर तू अल्लाह के हुक्म से चलता है तो चल पड़, अगर अपनी मर्जी से चलता है तो जो चाहे कर। वो खत दरिया नील में फेंका जाता है, नील में ऐसा सैलाब आता है कि उसके बाद आज तक नील नहीं रुका कभी। मेरे बच्चों ये बातें उम्मत मुस्लिमा की तारीख में 1400 साल मुसलसल हर दौर में जहां पे मुसलमान अल्लाह के दीन को नाफिज करते आए हैं यही मिसालें हमें मिली हैं। फतेह मक्का पे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बदतरीन दुश्मनों को आज माफ फरमा दिया कि आज तुम में से किसी से कोई हिसाब नहीं लिया। इंसानी तारीख में कोई मिसाल ऐसी नहीं है इतने बदतरीन दुश्मनों को इतनी रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह दरगुजर फरमा दें, सिवाय मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। कायनात इसकी मिसाल उससे पहले नहीं दे पाती, लेकिन यही मिसाल पूरी उम्मत मुस्लिमा में देखो। जब एक मरतबा मुसलमान फौज ने सईदना खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु फौज ने हमस का शहर फतह किया तो वहां की गैर मुल्की आबादी से जिजिया लिया गया, टैक्स लिया गया इनकी हिफाजत करने के लिए कि आपकी हिफाजत की जाएगी, उसका छोटा सा टैक्स जिजिया के नाम से होता। फिर मुसलमानों को महाज जंग पे जाने के लिए अपनी फौजों को हमस से निकालना पड़ा और मुसलमानों को किसी और महाज पर जाके लड़ना पड़ा तो सईदना खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु हुक्म देते हैं कि जितना जिजिया काफिर आबादी से लिया गया है वो सारे टैक्सेस उसको वापस लौटा दिए जाएं कि हमने इनकी हिफाजत की जिम्मेदारी ली थी, अब इनकी हिफाजत नहीं कर पा रहे हम। वो ईसाई रोते थे और दुआ करते थे कि अल्लाह मुसलमानों को वापस लाए दोबारा कि हम आपके साए में अमन महसूस करते हैं और हमारे हुक्मरान हम पर जुल्म करते हैं। इंसानी तारीख में आज तक कभी नहीं हुआ कि एक फातेह कौम, एक फातेह फौज टैक्स वापस करे उन लोगों को जिनको उसने तलवार की जोर पर फतह किया है, सिर्फ इसलिए कि अल्लाह का हुक्म यह कहता था उनको कि इंसानों पर जुल्म न करना चाहे वो मुसलमान हो या गैर मुस्लिम। हम वो वाला पाकिस्तान यहां बनाना चाहते हैं।